इस टाइम पे केरला स्टोरी जब आपने रिलीज करी उसके बाद आपको डेथ थ्रेट्स भी आए वी नेवर स्पोकन अबाउट दैट बिकॉज वी थॉट दैट वुड लुक लाइक वी ट्राइंग टू गेट सम टेक सम काइंड ऑफ सिंपथी एंड ट्रिविलाइज द इशू मुझे ऐसा लगा कि हम वो डायवर्जन हो जाएगा और मेन इशू कहीं ना कहीं छुप जाएगा सो देवर डेथ थ्रेट्स आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज वो चैप्टर ऐसा जिसको मैंने कभी डिस्कस ही नहीं किया और ना करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि अस फोकस ऑन द इशू द इशू एंड ट्राई एंड सी कि ऐसा किसी के साथ ना हो देखिए लव मैरिज से हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए अगर कोई भी लड़की किसी भी रिलीजन में शादी करना चाहती है उसका हक है बट एंड रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए अगर एंड रिजल्ट ये है तो ये बहुत चिंता का विषय है और ये रुकना चाहिए द क्वेश्चन वो इसलिए था कि एक ऐसी मूवी करी और उसमें इतनी कंट्रोवर्सी हुई मल्टीपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मल्टीपल स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स और इतना हद तक कि थ्रेट्स तक आने लग गए राइट इट्स अ थ्रेट टू फैमिली एवरीबॉडी इतना सब होने के बाद भी देन यू डिड अनादर मूवी विच इज अगेन हर्टिंग अ सर्टन लेवल ऑफ सेंटिमेंट डरने लगता एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ पर्सन मुझे डराना थोड़ा मुश्किल है क्यों uh, इसलिए क्योंकि मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि हमारा देश एक फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री है और, और इसमें सच बोलने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है इट कैन अपसेट सम पीपल हंड्रेड परसेंट लेकिन उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है हमारी हमारी पुलिस हम जहाँ रहते हैं मुंबई पुलिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड उनके रहते हुए आपको कोई ख़तरा ऐसा मुझे फील नहीं हुआ दूसरी बात यह है कि जब कोई इश्यू मेरे दिल को बहुत ज़्यादा टच करता है तो फिर uh, मैं थोड़ा सा वो बैलेंसिंग एक्ट में से बाहर आ जाता हूँ एंड एंड देन आई वांट टू मेक इट बिकॉज आई फील के दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दिस स्टोरी हैज़ टू बी टोल्ड्स दैट्स ऑलवेज बीन माई अप्रोच सी क्या है कि लोगों को समझ में नहीं आता लोगों को लगता है ये दो फिल्में मैंने इसलिए बनाई क्योंकि इलेक्शन yeah. uh, नज़दीक है वटेवर मैंने एक शो बनाया हैूमन डिजनी हॉट स्टार पे है दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट हाउ पीपल पुअर पीपल आर ट्रीटेड लाइक गिनी पिग्स वेन लास्ट फेज ऑफ जो ह्यूमन ड्रग टेस्टिंग का फेज़ होता है उसमें क्या क्या धांधलियाँ होती हैं और कैसे ह्यूमन लाइफ इज ट्रीटेड लाइक नो वैल्यू पर्टिकुलरली पुअर पीपल तो मैंने वो भी एक शो बनाया और वो भी बहुत पॉपुलर हुआ वो हॉट हॉटस्टार पर बहुत चला इट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट रेटेड शो ऑन आई एम डी बी एंड बहुत कुछ हुआ उस शो के साथ बहुत अवार्ड्स भी मिले तो तब किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो वो तो एंटी गवर्नमेंट शो था एंटी एस्टेब्लिशमेंट था तब किसी ने नहीं कहा कि अरे शाबाश या उसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई बात तो इन दो फिल्मों की होती है hmm. तो इट्स नॉट दैट मैं जब कोई चीज पढ़ता हूं या जब कोई चीज मेरे सामने आती है तो मैं फिर उसके बारे में अंदर से अगर एक आवाज़ आए कि ये हमारे देश के लोगों के साथ गलत हो रहा है और ये कहानी लोगों को जाननी चाहिए तो मैं फिर बनाता हूँ देन आई डोंट थिंक अदरवाइज ओके आपने बोला कि आपको इश्यूज जो होते हैं उन पे अगर आपको वो दिल पे टच कर जाता है राइट right? तो आप उनके बारे में मूवीज़ बनाते हो तो पहले केरला स्टोरी के एक इशू की बात करते हैं फिर बस्तर की बात करें केरला स्टोरी में आईस का जो मॉडल है वो कैसे ऑपरेट होता है वॉट इज़ द इशू लाइक Highlighted एक एक क्या है है। जिसके ऊपर आपने पूरी बनाई कि आप मासूम लड़कियों को प्यार का झांसा देते हो, उन्हें कन्वर्ट करते हो manipulate करते हो टू कन्वर्ट देन एक्चुअली रियलाइज कि ये आदमी मुझसे एक्चुअली प्यार ही नहीं करता या बच्चे पैदा करने के लिए मुझे एक मशीन की तरह यूज किया जाएगा एंड देन विल बी डिस यू थ्रोन और आई वुल एक्चुअली बी टेकन टू अ कंट्री वेयर आई हैव टू फाइट अ वॉर एंड डाई आई विल बी यूज्ड एज अ सेक्स स्लेव टू वॉट एवर दिस काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी और जब मुझे यह पता चला कि इस तरीके का आउटकम होता है तो देन आई कंपेल्ड कि ये तो फिल्म मुझे बनानी है ये कर, ये कहानी लोगों को जाननी चाहिए देखनी चाहिए एंड देर वॉज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हम इसके अंदर कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेंगे वी आर गोइंग टू शो हैव अंडरस्टूड इट शोइंग के कोई शुगर कोट नहीं कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी कोई पोलिटिकल करेक्टनेस नहीं होगी ट्रूथ एंड नेकेड ट्रूथ इज वॉट वी विल शो तो

गेट अ वीडियो ऑफ द गाय वन ऑफ़ द जो हमारी फिल्म में एक कैरेक्टर है वो ही hmm. जो रियल लाइफ में एंड ही ब्रेज़न अबाउट से कि उसने पैंतीस लड़कियों के साथ ऐसा किया है एंड नो गवर्नमेंट कैन टच हिम वो इम इन्फिडेंट है क्या करेगा प्यार है क्या करेगी गवर्नमेंट एंड वो ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि आर दे And they are, of course, brainwashed. And how do the fundings for these things come? Do you have any idea? It comes from Hawala, hmm. largely from. Certain, Sir, fund these guys? Certain people who want to promote this ideology sitting in various countries of the world. I said, a lot of people are Afghanistan, ki jo war hai, उनको फ्यूल करते रहना है सो दोज आर द पीपल एंड अ हिंदू गर्ल एक्चुअली मर जाए क्या फर्क पड़ता है यह सोच है इन केरला आर दे गेटिंग ट्रैप्ड दिस राइट द वर्ड लव जिहाद फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ चर्च बाय अ फादर प्रीस्ट नॉट बाय एनी So चर्च में फादर ने देखा था कि बहुत सारी कैथलिक लड़कियों के साथ ये हो रहा है बिल्कुल राइट एंड केरला में एक्चुअली uh, थोड़े दिन पहले एक पोलिटिकल एडवाइजर थे उन्होंने ऑफ कैमरा मुझे बताया था बिकॉज ही फ्रॉम केरला एंड ही सेट सेम थिंग चर्च में एक्चुअली परेशान है फादर्स डेट कि इतनी सारी कैथलिक लड़कियों के साथ ये हो रहा है कि इट्स <laughs> इट्स डिक्यूल यस, टेरिफाइंग। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो